गुड मॉर्निंग सर, आज हम देखेंगे कि कैमवर्क सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम 3D मॉडलिंग पार्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिक विंडो है। लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे तो हमारा डिज़ाइन ट्री यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप फ्रंट टॉप फ्रंट प्लेन को हम पहले शो कर देते हैं, तो हमें कौन से व्यू में बनाना है ड्राॅइंग वो ईजिली हमें विजुअलाइज हो जाता है। सिमिलरली हम ऊपर देखेंगे तो हमारा कमांड मैनेजर यहाँ पर मिलता है। तो ये सब 3D कमांड्स है, 2D कमांड्स भी अवेलेबल है, सर्फेसिंग भी अवेलेबल है, शीट मेटल पार्ट्स भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, एज वेल एज जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टील के कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे वेल्डमेंट्स की हेल्प से बना सकते हैं। बराबर, जो डाई मोल्ड के पार्ट्स आते हैं, जैसा कि कोई पार्ट आपको मिला है उसका कुछ डाई मोल्ड प्रेस टू सब बनाना है, वो भी आप इजीली मोल्ड टू से बना सकते हैं। एज वेल एज मेश मॉडलिंग में आपका कुछ रिवर्क आता है, कुछ कट कॉपी पेस्ट मूव ऑफसेट करना है, वो आप इजीली कर पाएंगे। एट लास्टली यहाँ पर हमारा केम मॉड्यूल आता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे डिज़ाइन और लास्ट में हमारा प्रोग्रामिंग है। तो आपको सिंगल विंडो में यहाँ पे कैड केम इंटीग्रेशन मिल जाता है। अब हमें कुछ यहाँ पे ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए मैं फ्रंट प्लेन को यहाँ पे हम स्केच में क्लिक करता हूँ, तो डायरेक्टली हमारे 2D एनवायरनमेंट चालू हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे ऊपर जाके हम इस देखते हैं तो ये स्केच मॉड्यूल ऑटोमेटिक चालू हो गया है। तो पहले हम कुछ सर्कल बनाते हैं। ओके, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ग्राफिक विंडो में रह के वर्क करना है, तो उसके लिए आप सिंपल है की होती है, जैसे कि एस में प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली मेरा ये स्मार्ट मैनेजर चालू हो जाता है। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। बराबर, जैसे कि मैं एक लाइन लिया, अभी सेंटर से सेंटर में कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रेंडिंग भी हो जाता है। ओके, अभी एक के रेफरेंस से आप देखेंगे तो अभी दूसरा एंटिटी है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ओके, अभी इसको मुझे परफेक्टली हॉरिजेंटल मूव करना है, तो जस्ट आप लाइन को क्लिक करके यहाँ पे हॉरिजेंटल कंस्ट्रेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन कलर में ये डायमेंशंस का कंस्ट्रेंट यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो अभी परफेक्टली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव होता है। अभी नेक्स्ट जो है हमें इसको इक्वल करना है, तो जस्ट आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप इक्वल का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही मैं एक का डायमीटर में चेंज करता हूँ तो दूसरे का भी यहाँ पे डायमीटर चेंज हो जाता है। ओके, सेम इसको मुझे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आप क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ओके, तो अभी डायरेक्टली ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री यानी कि सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका जो मेन पॉइंट है इसको मुझे यहाँ पे ओरिजिन पे रखना है। ओके, तो इसको आप क्लिक करके यहाँ पे कोइंसिडेंट डाल सकते हैं, पर तो अभी जो है भी सेंटर से ये सिमेट्रिकल मूव होता है। ओके, अभी इसमें हमें डायमेंशन ऐड करना है, तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी सेंटर की लाइन को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डालता हूँ कि मेरा 80 mm हो सकता है। बराबर, तो अभी 44 mm के हिसाब से पूरा ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको हम डायमेंशन देते हैं कि इसका डायमीटर होना चाहिए मेरा 30 mm। बराबर, तो ये हमने डाल दिया, तो अभी एक का जो डायमीटर डाला तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे का भी डायमीटर हो गया। तो ऐसे स्मार्टली हम रफ स्केच बना के भी यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग और डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज मैं अगर चाहूँ कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँ और यहाँ पे सेंटर में से एक बनाऊँ और डायमेंशन डायरेक्ट ऐड करूँ, पर तो ऐसे भी हमारा डायमेंशनिंग हो सकता है। ओके, तो ये हमारी हो गई सेकेंड मेथड। बराबर, अभी एक हमारा बेसिक यहाँ पे स्केच बन चुका है। अब इसमें हमें 3D एक्सट्रूड करना है यानी कि थिकनेस अप्लाई करनी है। तो जस्ट आप यहाँ पे स्केच पे क्लिक करें, यहाँ पे एरो आएगा, तो इसको आप जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारा डायरेक्टली ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है। बराबर, इसको आप इस तरफ या सेकंड साइड जो भी आपको प्रेफर लगे उसकी साइड आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं। बराबर, अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं कि मुझे 50 mm चाहिए। बराबर, या 46 mm चाहिए, जो भी आपको वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे 3D में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मेरा ये डायमेंशन होना चाहिए 65 mm। बराबर, एक बार आप रिबिल्ड दे देंगे तो आपको वो अपडेट होकर यहाँ पे दिख जाता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर ने स्मार्टली क्या किया कि जो डायरेक्टली यहाँ पे वो होल का भी डिटेक्ट करके आपको दे देता है। ओके, फिर अगर आपको यहाँ पे मैनुअली चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे बन जाती है, तो इसको आप यहाँ पे एडिट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा डायमेंशन होना चाहिए 60 mm। ओके, अब ये मेरा 60 हो गया। ओके, तो हमारा जो डिज़ाइन जो बनता है वो सब यहाँ पे हिस्ट्री में सेव रहता है। अब हमें कुछ इस प्लेन में काम करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप स्केच करिए, तो हमारा जो 2D एनवायरनमेंट है यहाँ पे फिर से वो चालू हो जाता है। ओके, तो आपको अलग से कुछ प्लेन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट डायरेक्ट आप कोई भी फेस ले लीजिए और यहाँ पे आप स्केच कर सकते हैं। अभी बाय रेफरेंस मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, और कुछ यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। बराबर, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायमेंशन ऐड करके दे, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि
यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फुली डिफाइन स्केच का, ओके इसको जस्ट मैं ओके कर दिया तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे डायमेंशन आ जाते हैं। अब इसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ, जैसे कि 42 mm है, फिर इसका जो सेंटर डायमीटर है 16 mm है, बड़ा वाला डायमीटर है 60 मुझे चाहिए, बराबर 70 चाहिए, जो भी अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारा एक बेसिक यहाँ पे स्केच बन चुका है। अब इसको भी हमें एक्सट्रूड करना है, यानी कि थिकनेस अप्लाई करनी है। जस्ट आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्ट करके इसको मैं डायरेक्टली ड्रैग करता हूँ, बराबर, तो आपका डायरेक्टली ये जो है पार्ट यहाँ पे बनता जाता है। अभी आपको किस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, सेकंड साइड चाहिए, उसमें भी आप स्केल आप सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली उस स्केल के हिसाब से वो थिकनेस वो अप्लाई कर देगा। तो सिमिलरली ये मुझे राउंड का भी चाहिए, इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ओके इसका मैं स्केल अप्लाई कर दूँ कि मेरा 20 mm होना चाहिए। ओके सेम, अगर मुझे यहाँ पे कुछ होल बताना है, जस्ट आप स्केच को क्लिक करिए, यहाँ पे अंदर का जो भी है उसका आप ड्रैग करेंगे तो इस तरफ मटेरियल एडिशन होता है, सेकंड साइड आप करेंगे तो हमारा मटेरियल सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसे स्मार्ट आप ग्राफिक विंडो की हेल्प से यहाँ पे डायरेक्ट आप मॉडल बना सकते हैं। ओके अभी हमारा वन साइडेड ये पार्ट बन चुका है, अभी मुझे सेम सेकंड साइड भी चाहिए, तो इसका आप मिरर की हेल्प से मिरर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए राइट प्लेन ले लेता हूँ और मैं ये बॉडी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बराबर, अभी जो सेम इस तरफ का पार्ट है इस तरफ भी हमारा आ जाता है। ओके अभी जो बॉडी है पूरा एजिस के साथ है, मुझे यहाँ पे कुछ फिलेट से अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास फिलेट ऑप्शन आता है, बराबर, तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है जैसे कि स्मार्ट फिलेट। जस्ट आप कोई एक फिलेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हमें लूप्स मिलेगा, जैसे कि ये पूरी फेसिस की लूप्स होती है, बराबर, ये कनेक्टेड लूप्स है, बराबर, ये सिमेट्रिकल लूप्स आती है, बराबर, ये जो भी वर्टिकल लूप्स जो भी एजिस होती है वो हमें होता है, तो वेरियस ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, बराबर। अभी मानो कि मुझे इसी फिर बॉटम वाली दो चाहिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे रेडियस दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू डालना है वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि 20 mm, बराबर, तो दोनों को वो यहाँ पे वो फिलेट अप्लाई कर देगा। कि सिमिलरली हम कुछ फिलेट फिर से अप्लाई करते हैं, और इस बार मैं यहाँ पे एजिस पे मैं क्लिक करता, तो स्मार्टली वो पूरे दिखा देगा कि यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि अभी 20 mm है, तो उसके हिसाब से हमें वो दिख नहीं रही है, तो अभी यहाँ पे कम करके हम 2 mm डाल देते, तो जैसे हमने वैल्यू डाला तो हमें यहाँ पे प्रॉपर विजिबल लुक मिल जाता है। ओके सिमिलरली मुझे यहाँ पे मैनुअली कुछ करना चाहता हूँ, तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे सिलेक्ट लुक कर सकते हैं, बराबर, सेम यहाँ पे भी आप क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं, बराबर, तो आप इस तरह से भी आप फिलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे हमने फिलेट्स अप्लाई कर दिया, बट अभी ये फेस पे नहीं है, तो जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे आप फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके अभी ये वन साइड है बट अभी सेकंड साइड नहीं है, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, ये जो नई फिलेट फीचर बना है, बराबर, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिरर के ऊपर रख देता हूँ, तो अभी देखेंगे तो सेकंड साइड भी हमारी ये मिरर में आप देखेंगे तो फिलेट यहाँ पे लग चुकी है। तो ऐसे स्मार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप फिलेट्स बना सकते हैं, एज वेल एज अगर मैं ये फिलेट है इसको चेंज करना चाहता हूँ, ओके तो इसको मैं डायरेक्टली मैं ड्रैग करूँगा तो आपका ये फिलेट चेंज होता है। इसमें भी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वहाँ तक ही ये आपको विजिबल होता है, उसके आगे जो है सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बराबर, तो सॉफ्टवेयर आपको लिमिट भी देता है कि ये पार्ट में जो भी आपने फिलेट डाली है वो यहाँ पे ही इतना ही हमें यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके सेम, तो भी मुझे लगता है कि मुझे नीचे वाले दो फिलेट चेंज करनी पड़ेगी, जस्ट आप सिलेक्ट करिए, फिलेट में जाइए, बराबर, यहाँ पे फिलेट एक्सपर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप चेंज में जाके आप सिलेक्ट करिए, बराबर, यहाँ पे फिलेट का वैल्यू डाल दीजिए कि मानो कि 10 mm चाहिए, और यहाँ पे जस्ट मैं रिसाइज बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो जो मैंने फिलेट सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो बन जाती है, और जो भी ये फिलेट बनी वो ऑटोमेटिक हिस्ट्री में भी वो सेट हो जाती है, बराबर, तो ऐसे हम यहाँ पे कोई भी पार्ट का मॉडलिंग बना सकते हैं। ओके यहाँ पे हमारे फिल्टर्स आते हैं, जैसे कि मुझे प्लेन नहीं विजिबल करना है, स्केच में नहीं विजिबल करना है, तो उसको हम हाइड करके देख सकते हैं। ओके यहाँ पे जो हिस्ट्री बना आप चेक कर सकते हैं, हमने कैसे कैसे बनाया था, ये हमने एक्सट्रूड किया, फिर ये हमने एक्सट्रूड किया, फिर ये हमने थिकनेस जो भी हमने अप्लाई किया होल किया, बराबर, हमारा पूरा हिस्ट्री है। ओके अब इसमें कुछ मटेरियल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मटेरियल का हमें ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्रास, कॉपर, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिल जाते हैं। ओके इसके अलावा हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी आती है, तो उसका आप एडिट मटेरियल में जाएंगे तो उसके भी हमारे पूरी लाइब्रेरी मिलती है।
और जैसे कि मुझे कुछ स्टील मटेरियल पैक करना है, ASI 304 करना है, और तो मैंने अप्लाई कर दिया बराबर, तो हमारा समथिंग पार्ट जो है इस टाइप का लगेगा। अब इसका मैं कुछ वेट मेजर करना है, तो आप इवेल्यूएट में जाके आप मास प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हैं बराबर, तो उसका आपको प्रॉपर डेंसिटी कितना है, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो सब आपको मिल जाएगा। अभी दिख रहा है कि 2.5 का ये 2.5 kg वजन का ये हमारा पार्ट है। ओके, अब इसको हम चेंज कर देते हैं कि इसको हमें ब्रास मटेरियल अप्लाई करना है। अभी फिर से हम चेक करेंगे तो अभी देखते हैं कि 2.7 kg का ये हमारा मास यानी कि उसका वेट हो चुका है। ओके, तो ऐसे हम कोई भी पार्ट का मॉडल बना सकते हैं, एज वेल एज उसका वेट एंड टेक्निकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अदर प्रॉपर्टीज में आपको सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप कितना है वो आप देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।